26 मई को स्मरण करते हैं सती राम रखी देवी को। दिल्ली में मुगल शासक औरंगजेब के बंदी गृह में जब गुरु तेग बहादुर जी ने देश और हिंदू धर्म के रक्षार्थ अपना शीश कटाया, उससे पूर्व उनके 3 अनुयायियों ने भी प्रसन्नता पूर्वक यह हौतात्म्य व्रत स्वीकार किया था। वे थे भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला। इस कारण इतिहास में उन्हें और उनके वंशजों के नाम से पूर्व भाई लगाकर सम्मानित किया जाता है। भाई मतीदास के वंशज थे भाई बाल मुकुंद, जिन्होंने 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय लॉर्ड होर्डिंग की शोभा यात्रा पर बम फेंका था। इस कांड में चारों युवा क्रांतिवीरों भाई बाल मुकुंद, अवध बिहारी, वसंत कुमार विश्वास तथा मास्टर अमीर चंद को फांसी दी गई थी। इनमें से एक भाई बाल मुकुंद की पत्नी राम रखी के आत्म बलिदान का प्रसंग अत्यंत प्रेरक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। भाई बाल मुकुंद का विवाह किशोरावस्था में ही लाहौर की राम रखी से हो गया था, पर अभी गोना होना बाकी था, अर्थात राम रखी अभी ससुराल नहीं आई थी। इधर बाल मुकुंद जी क्रांति कार्य करते हुए दिल्ली की जेल में पहुंच गए। जब राम रखी को यह पता चला तो वह उनसे मिलने अपने परिजनों के साथ दिल्ली आई। राम रखी ने उनसे पूछा कि वे क्या खाते हैं और कहां सोते हैं। बाल मुकुंद जी ने बताया कि उन्हें एक समय का भोजन मिलता है। राम रखी के आग्रह पर उन्होंने अपनी रोटी लाकर दिखाई। मोटे अन्न से बनी उस रोटी में कुछ घास फूस भी मिली हुई थी। राम रखी ने उसका एक टुकड़ा अपने पल्लू में बांध लिया। फिर बाल मुकुंद जी ने बताया कि उन्हें 2 कंबल मिले हैं। गर्मी होने पर भी उसमें से वे एक को ओढ़ते हैं और दूसरे को बिछाकर सोते हैं। लाहौर वापिस आकर राम रखी वैसी ही मोटी और कंकड़ मिली रोटी बनाकर एक समय खाने लगी। रात में सब लोग छत पर सोते थे, पर वह छत की नीचे वाली कोठरी में कंबल बिछाकर और ओढ़कर सोने लगी। कुछ ही समय में उसकी हड्डियां निकल आई। मच्छरों के काटने से शरीर सूज गया, पर फिर भी उसने उफ तक नहीं की। वह दिन भर पूजा पाठ में लगी रहती। इस कठोर तपस्या से मानो वह अपने पति का कष्ट बांट रही थी। इस तरह कई महीने बीत गए, अंततः फांसी की सजा घोषित हो गई। राम रखी धैर्य पूर्वक पति से अंतिम बार मिलने फिर दिल्ली आई। 8 मई 1915 को भाई बाल मुकुंद और साथियों को फांसी दे दी गई। फांसी वाले दिन से ही राम रखी ने अन्न जल त्याग दिया। वह दिन भर पूजा में ही बैठी रहती। इस प्रकार 17 दिन बीत गए। 26 मई को 18वां दिन था। उस दिन स्वयं पानी लाकर उसने स्नान किया, साफ वस्त्र पहने और अपने स्थान पर आकर लेट गई। इसके बाद उसने अपनी सांस ऊपर खींच ली। कुछ समय बाद घर वालों ने देखा कि वहां उसका निर्जीव शरीर ही शेष है। इस प्रकार राम रखी ने महान सती नारियों की परंपरा में अपना नाम लिखा लिया। यद्यपि गोना ना होने के कारण वह अभी कुमारी अवस्था में ही थी, पर उसने जो किया उससे भारत की समस्त नारी जगत गौरवान्वित है। भारत माता की जय।